जी आई नो प्यारे विद्यार्थियों, 11th क्लास दी इंग्लिश दी किताब पेनोरमा ऑफ लाइफ उस दा सेक्शन ए दा लेसन नंबर 6 दी अर्थ इज नॉट आर्स उस दी ग्रामर एक्सरसाइजेज जड़ियां ने इस वीडियो विच करन जा रहे हां। सो तुसी सारे नोटबुक अते पेन ले लो, आंसर्स नू अपनी नोटबुक विच उतार लो, पर मगरों दी इन एक्सरसाइजेज नू बिना देखे अपने आप करन दा अभ्यास जरूर करो। ते जड़े बच्चियां कोल मैथ हैगा है ते इसी चैनल दे उत्ते एक 11th मैथ दी भी प्लेलिस्ट है, ते ओ वाले बच्चे मैथ वाले मैथ दे सवाल हल कीते हुए भी उस प्लेलिस्ट विच देख सकते हैं। सो शुरू करिए। सो कहिंदे फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशंस, अर्थात खाली स्थानां नूं ढुकवें प्रपोजिशंस दे नाल भरो। बच्चों प्रपोजिशंस दी एक्सरसाइज जिहड़ी तुहाडी इंग्लिश दी किताब है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उस दी मैं सारी एक्सरसाइजेज प्रेपोजिशंस वाली करके अपलोड कर दित्तियां गईयां हैं, ते वो प्लेलिस्ट दा नाम हैगा 11th, 12th इंग्लिश ग्रामर, ते तुसी ओहदे विच भी ग्रामर दी एक्सरसाइज जिहड़ियां प्रेपोजिशंस दी वो भी देख सकते हो। सो मेजर सोमनाथ शर्मा वाज ऑनर्ड विद दी परमवीर चक्रा, अर्थात मेजर सोमनाथ शर्मा नूं परमवीर चक्र दे नाल सन्मानित किया गया, ऑनर्ड निवाजा गया, सम्मानित किया गया। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू वट इज़ राइट, अर्थात वाहिगुरु विच भरोसा रखो अते उही करो जो सही है। ठीक है, आई वीयर अ रिंग ऑन माई फिंगर, ठीक है, मैं अपनी उंगल विच अंगूठी पाना हाँ, ऑन माई फिंगर। ठीक है, वी बिलीव इन फ्रीडम टू थिंक, अर्थात असी विचारां दी आजादी विच, फ्रीडम टू थिंक मैंने विचारां दी आजादी विच विश्वास करते हाँ। अ मैन बिकम्स अ जेंटलमैन, अर्थात एक जड़ा आम साधारण मनुख है वो बंदा बनता है। आमतौर पर कहना बंदा बन जा, बंदे वाले काम कर, जिले बंदा बंदे वाले काम नहीं करता फिर कहना पैंता बंदे वाले काम कर। कहते अ मैन बिकम्स अ जेंटलमैन, अर्थात जन्म करके तो सारे बंदे ने पर साऊ किदा बनते हैं जेंटलमैन, मैंने एक भद्र मनुख एक सभ्यक मनुख किवें बनता है, ओनली बाय ओवरकमिंग हिज वीकनेसेस वीकनेस। जड़ा एक आम साधारण मनुख है वो चंगा मनुख सिर्फ ते सिर्फ अपनियां कमजोरियां नू कंट्रोल करके ओवरकम होंदा है, उन्हां ते काबू पाना, अपनी कमजोरियां ते काबू पा के बनता है। ठीक है, सो बाय आएगा इत्थे। सो सारिआं दा तुसीं अभ्यास बिना देखे खाली स्थान नू भर के कर लेना है। और अगला सैक्शन देखिए, हुण आ गया टू, चेंज दी फॉर्म ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच जिहड़ी है उन्होंने इनडायरेक्ट विच करना है। ठीक है, सो जिहड़े आंसर्स ने उन्होंने मैं बोल्ड कर दिता है। द बॉय सेड टू द गर्ल आरंट यू हैप्पी टू सी मी, मतलब कि मुंडे ने कुड़ी ने पूछा कि तू मैं देख के खुश नहीं, सो इन किदा करा। द बॉय आस द गर्ल इफ शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी हिम, ठीक है, जिहड़ी है नरेशन जिले इनडायरेक्ट स्पीच है, ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता तो इनवर्टेड कॉमा भी नहीं आते, उड़ जाते हैं। सो कहते आई सी कॉन्टिन्यू चल रहा है, आई सी कॉमा इतने फिर सैट द कर्नल कॉलोनल, कर्नल ने कहा आई सी मैं देख रहा हाँ यू डोंट नो हाउ टू रिटर्न अ सल्यूट, अर्थात तेनों सलाम का मोड़वा जवाब देना नहीं आता, भी जवाब दे सलाम किमें करना है तेनों नहीं पता। सो यदा मतलब कि उन्हें कर्नल ने गल गौर की। सो ये बच्चों सानू प्रैक्टिस में आनी गल्ला, जिदा इतने कितने रिक्वेस्टेड आ सकता है, कितने अपलॉडिड आ सकता है, कितने प्रेज्ड आ सकता है, कितने कमांडेड आ सकता है, कितने डिमांडेड आ सकता है, कितने ऑर्डर्ड आ सकता है। सो इतने द कर्नल ऑब्जर्व्ड, अर्थात कर्नल ने इस गलते इस गल नोट किया, इस गलू मतलब कि उन्हें गौर किया कि दैट आई डिड नॉट नो हाउ टू रिटर्न अ सैल्यूट। सो डोंट नो दैट डिड नॉट बन जाए, क्योंकि सेट दी करनल जड़ा है पास्ट टेंस है, द कर्नल ऑब्जर्व दैट आई डिड नॉट नो हाउ टू रिटर्न अ सल्यूट, कर्नल ने गौर किया कि मैनू सल्यूट का जवाब देना नहीं आता सी। आई आस्क्ड हिम वेयर डू यू कम फ्रॉम, अर्थात मैं उन्होंने पूछा कि तुम कितों आए हो या किस जगह नू बिलोंग करते हो। सो आई आस्क्ड हिम फ्रॉम वेयर ही केम है। ठीक है, सारे का बच्चा प्रैक्टिस कर लेना, जिहड़ी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है उहदे विच ये चैप्टर हैगा नरेशन दा, वो हाले मैं नहीं कीता, वो जिवें जिवें अगे वीडियोज़ बनणगे मैं करांगा, ते जे पहले लोड़ हैगी है तुहानू जल्दी है ते मैनू बच्चे दस देना, अगर सिलेबस विच तुहाडे चल रहे हैं ते मैं हुण पहले कर दांगा। फिर आ गया फोर्थ,
द ओल्ड वुमन सेड, अर्थात बुजुर्ग बीबी ने कहा, मे यू लिव लोंग, काश तू लंबी उम्र भोगे। हुण इहनूं बच्चों असीं दो ढंग नाल लिख सकते हाँ। द ओल्ड वुमन विश्ड मी अ लोंग लाइफ, अर्थात बुजुर्ग बीबी ने मेरी लंबी उम्र की कामना की। ठीक है, इदां भी कह सकते हाँ। या दी ओल्ड वूमन विश दैट आई माइट लिव लोंग, मे दा बन जाएगा माइट, क्योंकि है सेड हैगा, पास्ट टेंस हैगा। द ओल्ड वूमन विश दैट आई माइट लिव लोंग, अर्थात बुजुर्ग बीबी ने कामना की कि मैं लंबी उम्र भोगा। ठीक है, इतने हैगा विश मी अ लोंग लाइफ, मेरी लंबी उम्र की कामना की इतने। ठीक है, सो इस ढंग भी लिख सकते हैं, इस ढंग भी लिख सकते हैं। फिर अगला आ गया, द पुलिसमैन सेट टू द ड्राइवर, अर्थात पुलिसमैन ने ड्राइवर न कहा, सिपाही ने पुलिस ड्राइवर कहा, शो मी योर लाइसेंस, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆਰਡਰਡ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹਿਮ ਹਿਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਏ, ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਡਿਮਾਂਡਡ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵੀ ਅਤੇ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। 3, ਯੂਜ਼ ਈਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ ਐਂਡ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 5, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਨਾਊਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਤੌਰ ਨਾਊਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਬ ਵੀ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਐਡਵਰਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਊਨ ਵੀ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਰਬ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਐਡਵਰਬ ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ। ਸੋ ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਟ ਸੇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਜਨਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆਫਟਰ 9 PM, ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਨਤਾ ਵਿਚਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਊਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਹਦਾ ਐਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਊਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਚਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਬਤੌਰ ਨਾਊਨ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਵਰਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ ਵਰਡ ਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ ਬਤੌਰ ਨਾਊਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੇੜ, ਅਸੀਂ ਗੇੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਟਾਕਸ ਵਿਦ
चाइना हैज अगेन फेल्ड, अर्थात चीन दे नाल गलबात दा तीजा गेड़। हुण थर्ड इत्थे एडजेक्टिव है ते राउंड जिहड़ा हैगा है वह की नाउन है कि तीजा गेड़ भी दुबारा फेल हो गया, अर्थात गलबात सिरे चाइना दे नाल जो तीजा गेड़ सी गलबात दा वह सिरे नहीं चढ़िया। फिर आ गया असी कहिंदे राउंड होंदे ना टेबल टैनिस दा राउंड, पहला राउंड दूजा राउंड, असी कहिंदे फुटबॉल दा मैच होया, क्रिकेट दा मैच होया, फलाना मैच होया, टेबल टैनिस दा, बैडमिंटन दा मैच हैगा, खो खो दा मैच है, यह पहला राउंड दूजा राउंड, तो उन्होंने कहने ही नॉक डाउन हिज ओपोनेंट, नॉक डाउन मैंने थले सिटता अर्थात हरा दिता ओपोनेंट मैंने अपने विरोधी नू इन दी सैकेंड राउंड इटसेल्फ, अर्थात उन्हें अपने विरोधी नू दूजे राउंड विच ही पस्त कर दिता। ठीक है, राउंड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है हूँ एडजेक्टिव के तौर पर लुक कहते देख दी आउल हैज बिग राउंड आईज, उल्लू दिया गोल, इतने राउंड का मतलब है गोल, यह एडजेक्टिव है, इतने से गेड राउंड आईज, देखो वो देख उल्लू दिया वड़िया गोल अखा हन। फिर शी प्लेस द बैग ऑन द राउंड वुडन टेबल, उन्हें बैग न झोले न गोल लक्कड़ दे टेबल ते रखिया, सो राउंड का मतलब इतने गोल है, यह एडजेक्टिव है। फिर आ गया क्राइम, क्राइम मैंने अपराध, तो बच्चो क्राइम इज नॉट यूज एज एन एडजेक्टिव, मैं दस दिता इतने उन्होंने लिखे पता नहीं की सोच के शायद इसी करके लिखा है कि देखते हैं बच्चे कि स्टूडेंट की करते हैं, सामने भी पता होना चाहिए कई शब्द जड़े ने वो सिर्फ नाउन के तौर पर वरते जा सकते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर नहीं वरते जा सकते। सो क्राइम जड़े शब्द है एडजेक्टिव के तौर पर नहीं वरतिया जा सकता, हाँ कंपाउंड नाउन के तौर पर वरतिया जा सकता है, जिदा कहते क्राइम ब्रांच, क्राइम वेव, यह नाउन है सारे। सो क्राइम एज अ नाउन देखिए, ही हैज गिवन अप द लाइफ ऑफ क्राइम नाउ, अर्थात उन्हें अपराध, अपराधी लाइफ, अपराध वाली लाइफ जी है, अपराध वाली जिंदगी जी, पहले अपराध करता सीगा वो उन्हें उन्हें छड़ दी है, हुण वो ईमानदारी वाले काम करता है। ही हैज गिवन अप द लाइफ ऑफ क्राइम नाउ, उन हुण उन्हें अपराध जगत वाली जिंदगी छड़ दी है। ब्राइबरी इज अ सीरियस क्राइम, ब्राइबरी मैंने वड्डी वड्डी लैनी या वड्डी देनी एक गंभीर सीरियस क्राइम है, एक गंभीर अपना अपराध है। सो क्राइम इतने नाउन है तो सीरियस वह एडजेक्टिव है। फिर आ गया बैक, हूँ बैक का मतलब की है बच्चे, बैक का मतलब पिट ही होंगी है साड़ी जी बैक, पिट असं कहने, ठीक है आओ देखो बैक एज अ नाउन, ही हैज़ पेन इन द लोअर बैक, अर्थात उन्हों पिट के थलड़े हिस्से विच दर्द है। ठीक है, द पुलिस हैंड कफ्ड हिज हैंड्स, हैंड कफ हों हथकड़ी लानी, द पुलिस हैंड कफ्ड हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अर्थात पुलिस ने ओदे हत्थां नू ओदी पिठ दे पिछे करके हथकड़ी लाई। ठीक है, हैंडकफ मैंने हथकड़ी लानी, हैंडकफ्स मैंने हैंडकफ्ड इज हैंड ओदे हत्थां नू बन दिता, हथकड़ी लाती बिहाइंड इज बैक, ओदी पिठ दे पिछे करके लाती। फिर बैक एज एन एडजेक्टिव, इहदा मतलब पिछला, बैक दा मतलब पिछला बना गया एडजेक्टिव। आई नैवर कीप द मोबाइल इन माई बैक पॉकेट, अर्थात मैं कभी भी मोबाइल फोन नू अपनी पिछली जेब च नहीं रखता, कि लोग पिछले पेंट की पिछली जेब रखते हैं, फिर बेसले बेध्यान बह जाते हैं तो फोन टुट जाता है। सो बैक पॉकेट मैंने पिछली पॉकेट, सो पॉकेट नाउन है तो बैक यदा एडजेक्टिव है। वी एंटर्ड थ्रू द बैक एंट्रेंस, अर्थात असी पिछले पिछली एंट्रेंस वालों पिछले प्रवेश द्वार राही प्रवेश किया। सो एंट्रेंस मैंने प्रवेश, बैक एंट्रेंस मैंने पिछला प्रवेश, कई जगह बिल्डिंगों का एक अगला गेट होंगे एक पिछला गेट होंगे, अर्थात असी पिछले गेट राही अंदर वड़े। ठीक है, अगे देखिए आखिरी आ गया फ्यूचर, फ्यूचर का मैंने भविख, हूँ नाउन के तौर पर देखिए कि ही इज़ वर्किंग हार्ड फॉर द फ्यूचर, अर्थात वो भविख वास्ते मेहनत कर रहा है, भविख वास्ते पढ़ रहा है, भविख वास्ते मेहनत कर रहा है। ठीक है, अपने भविख में सवारन लिए। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन है टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, अर्थात भविख बारे दसना, गुरु साहब जपजी साहब भी कहते ने अंत न जापै क्या मन मंथ, जपजी साहब चाहता है गुरु नानक पातशाह कहते अंत न जापै क्या मन मंथ, अर्थात रब के मन में कड़ा मंत्र चल रहा है, रब के मन में कड़ी स्कीम चल रही है, यदा कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, अर्थात सानू भाणा मिठा मनण की हुक्म के राजी रहने की आदत पानी चाहिए है, ज्योतिषियों के चक्करों में नहीं पैना चाहिए, अपने पैसे लुटाने नहीं चाहिए, अपना शोषण नहीं करवाना चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, गुरु साहब एक बड़ा एक जगह बड़ा सोहना कहें कहते कोई वाहे को लुना है,
कोई पाए खलहान, नानक एव न जापे कोई खाए निदान। अर्थात कोई बोंदा है, कोई वडदा है, कोई खलवाड़े च पाउंदा है, त्यो कणक जाके किथे पीणी है, किथे आटा विकना है, ते किन्ने रोटी खानी है, किहड़े ढिड च पैणी, कोई नहीं दस सकदा। सो इस करके असीं फ्यूचर बारे दस नहीं सकते। सानूं मेहनत करनी चाहीदी है, सेवा करनी चाहीदी है, आलसी नहीं बनना चाहिए। तो जिहड़े बंदे आलसी नहीं होंदे, उद्यमी होंदे ने, उहनां दा भविख अपने आप उजला हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अर्थात भविख बारे दसना, भविख बारे भविखबाणी करनी नामुमकिन है। ठीक है, फ्यूचर इतने नाउन है। हुण देखो फ्यूचर एज एन एडजेक्टिव। हुण देखो बच्चों, मैं इसी गल नूं एडजेक्टिव दे तौर ते किदां लिखिआ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। इवेंट माने होंदियां घटनावां, फ्यूचर भविख दियां घटनावां। सो एडजेक्टिव दा मतलब फ्यूचर दा हो गया भविख वालियां। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। हुण देखो बच्चे किन्नी मजेदार गल है, यह जिहड़ा सेंटेंस है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, दोनों का इको ही मतलब है, बिल्कुल इन बिन इको मतलब है। पर इतने फ्यूचर नाउन है, तो इतने फ्यूचर एडजेक्टिव है। इवेंट्स नाउन है, तो फ्यूचर जड़ा है इवेंट्स का एडजेक्टिव है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, अर्थात आने वाली भविख वाली घटनावान का भविखबाणी करनी मुमकिन नहीं है। ठीक है, वी मस्ट प्रिजर्व सॉयल, वाटर एंड एयर फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। सानू अपनियां भविख वाली पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां, साढ़े बच्चे पोते पोतियां दोते दोतियां लई मिट्टी पानी अते हवा की सांभ संभाल सानू करनी चाहिए है। सो इतने फ्यूचर जनरेशन, जनरेशन नाउन है, तो फ्यूचर वह एडजेक्टिव है। सो बच्चों बड़ी ही वधिया एक्सरसाइज, बड़ी रोचक एक्सरसाइज सी। सो तुसी इसी तरह नेम दे नाल, अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक ले गुड बाय। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, रब रखा, थैंक यू वेरी मच।